सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल स्वेता क्रिएशंस को, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? थोड़ा थकी थकी सी हूँ। अभी मैं घर आई शॉप से, रात के 9:20 या 9:20 या 9:30 बज रहे हैं, मैं देखा नहीं। मैं पहले आई, फ्रेश होके आई, अब जाऊंगी खाना बनाने, इसीलिए सोचा मैं अपने फ्रेंड्स को थोड़ा हाय हेलो कह दूं। ये मेरी घर की एंट्री है। बस यहाँ पे वहाँ पे किचन में बहुत गर्मी लग रही है, मैंने वहाँ का लाइट ही ऑन किया है। तो चलिए आज मेरे साथ बने रहिए कि हम आज रात को क्या बनने वाला है देखते हैं। देखिए मेरी टाइम देखिए और मेरे घर का टेम्परेचर देखिए। अब आप बताइए, जहाँ के रात के 9 बजे घर के अंदर 36-37 रहेगा, तो क्या कोई कैसे कुछ हाँ संभाल पाएगा? तो आज मैं आपसे यहाँ पे कुछ टिफिन वगैरह मैं सुबह जब लेके जाती हूँ ना, अभी मैं बस वही सब खाली कर रही हूँ। मैं जब मैं घर आती हूँ ना, तो सारी जरूरत की चीजें, शॉप से सारी चीजें, गंदी चीजें, टिफिन वगैरह सब साथ में लेकर ही आती हूँ। देखिए कितना बिखरा पड़ा है, अभी सब पानी फानी भर के रखूंगी तो सुबह फिर लेके जाएंगे। आज रात को डिनर में मैं राइस बनाऊंगी, सब्जी वगैरह अब कुछ सोचा नहीं है। मैं राइस पानी भर रही हूँ। यहाँ का पानी थोड़ा खारा है, इसीलिए मतलब राइस अच्छे से खिलता नहीं है, इसीलिए मैं प्यूरीफायर के पानी से खाना बनाती हूँ। तो मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती थी। आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे नहीं लगते या कुछ बेहतर बनाना है? आप लोग देखिए, कुछ बताइए तो सही, कमेंट करके बताइए तो सही। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसे थोड़ा और बेहतर करने की कोशिश करूँगी। मैं जानती हूँ मेरे जितने भी मेरे वीडियोस देखते हैं, मुझे पता चलता है कि किसने देखा, कितना देखा, सब कुछ मुझे पता चलता है। जो लोग देख रहे हैं वो रेगुलरली देख भी रहे हैं कुछ चंद लोग, पर आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते? मैं आप लोगों को पसंद नहीं हूँ? अगर आप लोग, मैं सोचती हूँ कि आप सब सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं 2 दिनों से वीडियोस भी नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है। अगर वीडियो कुछ शूट भी करना होता है तो फैन बंद करके करना पड़ता है, और गर्मी में संभाल नहीं पा रही हूँ। 2 दिन से मैं लंच भी नहीं बना रही हूँ, रात को बना कर रखती हूँ, और हम लंच वही अभी बनाया है ना, इसका कोई सब्जी अगर बच जाएगा तो कल हम एडजस्ट करके खा लेंगे। मतलब हमारा ये पूरा ओपन है, बाहर की तरफ है, हमारा किचन के तरफ ईस्ट फेस में है हमारा किचन। तो सुबह की सारी लाइट, मतलब 4-5 बजे तक यहाँ पे धूप पड़ता रहता है, तो यहाँ पे खड़ा होना भी मुश्किल है। अगर यहाँ पे खड़ा होके कुछ भी, मतलब हम कुछ भी कर रहे हैं तो बाहर या छत पे रह के करने में जैसा है, यहाँ पे भी ऐसा है। सुबह पे तो टेम्परेचर 39, ऐसे घर के अंदर इतना टेम्परेचर रहता है। तो मैं इसीलिए आज दौड़ी दौड़ी चली आई जल्दी, वरना मैं 11 o'clock तक ही आती हूँ। जल्दी आई, मैंने सोचा खाना बनाऊंगी, 2-3 वीडियोस बनाऊंगी, और जितना घर बिखरा पड़ा है सब समेटूंगी। इसीलिए तो मैंने राइस बिठा दिया है, अभी देखते हैं क्या सब्जी है, देखूंगी फ्रिज में, उसके बाद आपसे मिलती हूँ, ठीक है? तो फ्रेंड्स, मेरा एक वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा था, मैंने एडिटिंग करके
एक्सपोर्ट कर लिया है, तो इसीलिए मैं अपना उस बीच मैंने बहुत कुछ काम खत्म कर लिया, आपको दिखा नहीं पाई। मेरा राइस बन के तैयार हो चुका है। मैंने आटा घो दिख रहा है आटा आटा घूंद लिया है, और बैंगन की फ्राई मतलब बैंगन को काट के छोटे छोटे पीसेस करके ऑल के डीप फ्राई करके निकाल के उस बस नमक मिर्ची मिला लेना है, और टमाटर की चटनी बनाऊंगी। प्याज को थोड़ा सा फ्राई करके उसके टमाटर टमाटर को अच्छे से टमाटर को भी उसमें फ्राई करेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा चीनी और थोड़ा सा नमक, बस हो गया टमाटर की चटनी। देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। मैंने कल के लिए वो इडली बनाने के लिए इडली सूजी को भिगो दिया है, और इडली की दाल मतलब उड़द की दाल वो लाएंगे तो मैं उसे भिगो दूंगी, क्योंकि कल या परसों मैं इडली बनाऊंगी। दूध भी आया है, गरम करना है, आज बहुत काम है। मेरा खाना 90% बन चुका है। राइस, टमाटर की चटनी, बैंगन, सिर्फ गुड नाइट। सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट करना मत भूले। बाय।